नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीवाणुओं में अभिरंजन क्रिया का आविष्कार डेनिश चिकित्सक क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु को जो नाम है दोस्तों, वो एक डेनिश चिकित्सक क्रिश्चियन ग्राम के नाम से पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ग्राम अभिरंजन के आधार पर संपूर्ण जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। जो जीवाणु है वो ग्राम, जो कि एक आविष्कारक था, किसका आविष्कारक था, तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु का आविष्कारक था, उसी ने इसको दिया था। तो दोस्तों, इसमें पहला जो जीवाणु है वो है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, दूसरा है ग्राम नेगेटिव जीवाणु। अब हम आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है इसका फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब बैंगनी रंगयुक्त अभिरंजित जीवाणुओं को 90% ये क्या 90% इथाइल अल्कोहल से धो दिया जाता है, तब यदि धोने के बाद जीवाणुओं का बैंगनी रंग वैसा का वैसा ही रह जाता है, तो इसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अथवा जीवाणु कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबेसिलस, क्लोस्ट्रिडियम इत्यादि इसकी उदाहरण है। जब आप इस वीडियो को आगे और देखेंगे तो मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है और ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अब दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव जीवाणु अथवा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। जब बैंगनी रंगयुक्त अभिरंजित जीवाणुओं को 90% इथाइल अल्कोहल से धो दिया जाए, तब यदि धोने के बाद जीवाणुओं का बैंगनी रंग न रहे, तो इस प्रकार के जीवाणुओं को हम ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहते हैं। उदाहरण राइजोबियम, साल्मोनेला जीवाणु, स्यूडोमोनास एवं विब्रियो इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब हम आपको दो चित्र द्वारा समझाएंगे कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हम लोग का पहला चित्र। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है और जीवाणु है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों, ये एक गिलास है जिसमें 90% तक इथाइल अल्कोहल घुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब इस गिलास में जो इथाइल अल्कोहल है 90% वाला इस गिलास में, जब इसको इस बैक्टीरिया में अगर हम धो देंगे, इस पर डाल देंगे, तो अगर इसका रंग ना बदला, ठीक है दोस्तों, अगर इसका रंग, इस बैक्टीरिया का जो बैंगनी रंग का है ये बैक्टीरिया, अगर इसका रंग नहीं बदला, तो ये जो है दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। क्या होगा दोस्तों? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को दूसरा चित्र दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये आपका दूसरा चित्र यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो मान ली ये एक क्या है, बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। इस ग्लास में आपका 90% तक इथाइल अल्कोहल घुलाकर रखा हुआ है। जब इसको हम लोग इस बैक्टीरिया में डाल देंगे, धो देंगे इस पर, ठीक है दोस्तों, जब इस बैक्टीरिया का बैंगनी रंग जो है दोस्तों कुछ और रंग में बदल जाएगा, ठीक है, यानी रंग बदल गया, तो क्या हो जाएगा, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। एंड दोस्तों, रंग बदल जाएगा तो उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अगर रंग नहीं बदला, उसका रंग वैसा का वैसा ही रहेगा, तो वो हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। आशा करता हूं दोस्तों आपको ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है इसका फुल डिटेल्स आपको मैं बता दिया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।